क्या चेंज हुआ कि तेरी मतलब 39 से 97 इंप्रूव हो सकी? मतलब पढ़ना तो शुरू कर दो, लेकिन तुम क्या पढ़ोगे? अब मैं यूट्यूब की वीडियोस आपकी, हिमांशु भैया की, तो इनके ऐसे मोटिवेशन मिलती थी कि आप क्या अभी भी कर सकते हो, पेटीएम कर दिया जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यार मेरे पास आज एक ऐसा दोस्त है यार जिसकी 39% से 97% तक उसने अपनी इंप्रूव करी है 2 JEE के अटेम्प्ट्स के अंदर, तो तुम सोचोगे ऐसा हो भी सकता है। तो ये वाली वीडियो यार उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा है कि यार उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है और ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से और मेरे से कमेंट सेक्शन में कि कैन आई स्टिल क्रैक जेई 2022। यार मैं यश हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, ये ताज है यार मेरा दोस्त, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है DTU के अंदर, और ये हिमांशु है, इसको हर कोई जानता है, ठीक है। तो आज यार हम सनी से बात करेंगे और बाकी सबसे कि उनकी क्या ओपिनियन है कि कैन यू स्टिल क्रैक जेई 2022, एंड इफ यू कैन तो फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या जर्नी रही सनी की, ताज की और हिमांशु से, फिर कुछ फाइनल हम टिप्स ले रहे होंगे। तो सबसे पहले सनी यार बताओ ये कैसे कर लेते हो भाई 39 से 97%। यार सबसे मेन जो मोटिव होता है, मतलब पढ़ाई वगैरह सब अलग है, बट मेन जो होता है सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेटेड रखना हर वक्त कि अगर चाहे मेरे मॉक टेस्ट में मतलब कम मार्क्स भी आ रहे हो फिर भी तुम मतलब होप नहीं छोड़ रहे, कभी गिव अप मत करो कि मैं अब भी कर सकता हूँ। हमेशा आंसर आना चाहिए अंदर से कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और तुम्हें लगेगा कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरे तो इतने सारे चैप्टर्स बचे हैं, अभी कोई चांस ही नहीं, और मेरे को लगता है आई एम वेरी श्योर कि वो चीज़ सनी के साथ भी आई होगी, हिमांशु ने भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी थी, वो चीज़ें सबके साथ आती है, बट फाइनली यार मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट, मतलब मेरा तो यार दिमाग को दिल गया था 39 से 97% तक कोई जाके DTU में आके बैठ सकता है, तो भाई तुम भी कुछ भी कर सकते हो। सनी ने एक बात बोली कि यार उसने हम सबकी वीडियोज़ देखी थी, मेरे को लगता है हिमांशु काफ़ी ज़्यादा JEE कंटेंट बनाता है, और हिमांशु अगर तेरे को टिप्स देनी होगी, मेरे को लग रहा है तूने भी एक बहुत अच्छी एक जंप मारी थी परसेंटाइल में और इसलिए तू यू सेटिंग इन DTU, तो तेरी क्या ओपिनियन है कि यार इस वक्त हमें दिख रहे हैं कि यार 40-50 डेज का होराइजन है, अटेम्प्ट्स को 4 से 2 कर दिया गया, जिसके लिए मैं बहुत गुस्सा हूं NTA से, बट कुछ नहीं कर सकते। तो हिमांशु तेरी क्या ओपिनियन रहेगी कि यार अगले 50 दिन में कैसे तू देख रहा होगा, तेरी 3 टिप्स क्या रहेंगी? यार अगर देखो इस तरह से देखा जाएगा, अगर तुम्हारे पास 50 दिन है, जब मेरे पास भी अराउंड 2 महीने के करीब थे, तो मैंने सबसे पहला काम किया था कि अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट के 2 महीने ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिविजन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। तो यार अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि तुम पढ़ना तो शुरू कर दो, लेकिन तुम क्या पढ़ोगे? अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं यार वो सिर्फ ना बुक्स को रीड करते चले जाते हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं रिविजन भी जो करेंगे ना वो सिर्फ नोट्स की जाके पढ़ लेंगे और रिविजन हो जाएगी, पर रिविजन सबसे अच्छी जब ही होती है जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, और मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि तुम ना तो एक तो क्वेश्चन किस तरह से स्पीड से करने होते हैं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सारी चीजें तुम पेपर देकर ही सीखोगे। तो आखिरी के टाइम में ये कहूंगा कि एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लो और वहां से अपने क्वेश्चंस लगाने शुरू करो, तो इससे तुम्हारी एक तो सारी एग्जाम टेम्परमेंट बहुत अच्छा बनेगा, प्लस रिविजन जो करोगे उसके जो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिलते रहे उनका एनालिसिस करते चलो, और एक एनालिसिस नोटबुक में उन अच्छे क्वेश्चंस को नोट करते चलो, ताकि लास्ट के कुछ दिनों में तुम उसका बेस्ट यूज कर पाओ। मेरे को यार इसमें जो हिमांशु ने बोली काफ़ी बढ़िया लगी बात, और मेरे को एक एडवाइस ये मिली थी कि अगर तुम में से कोई इस वीडियो को देख रहा है और अभी डर लग रहा है यार तुम्हें कि नहीं हुई है पढ़ाई और नहीं हो सकता, तो एक चीज़ जो मैं रेकमेंड करूंगा वो ये है यार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना तुम सॉल्व मत करो, तुम्हें पता है कि नहीं हो रहे सॉल्व, तुम्हें तुम उनके सॉल्यूशंस पढ़ लो, मतलब चाहे बस कि अब लास्ट के 30-40 दिन बचे हैं तो कम से कम सॉल्यूशंस पढ़ लो, उससे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आ जाएगी, कुछ ट्रेंड्स वगैरह तुम्हें याद रह जाएंगे, तो वहां से शायद तुम्हारे कुछ मार्क्स आ जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं होएगा कि यार तुम्हारी 10-12-15% आ रही है, एक ठीक ठाक सी परसेंटाइल क्या पता तुम उससे निकाल सको। तो यार कल हमने अपने चैनल के थ्रू एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें जो भी बच्चे JEE का क्रैश कोर्स वगैरह लेने की सोच रहे हैं, अकेडमी प्लस वगैरह लेने की सोच रहे हैं, तो किसी एक बच्चे की पूरी फीस हमने सोचा था कि हम अपनी खुद पॉकेट से पे करेंगे। इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया, चीज मैंने रात तक ही खोली थी, बट इसको यार मैंने एक्सटेंड करवा दिया है 19 तक, ऑलमोस्ट 40% ऑफ देखने को मिल रहा होगा, जो 10% में पांडा या स्कोल से मिलता था वो बढ़ा के हमारा 20% कर दिया गया है, और जो टोटल प्राइस है उसका भी 25% ऑफ कर दिया गया है, तो इफेक्टिवली तुम्हें 40% ऑफ देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म कोर्सेज में भी देखने को मिल जाएगा। 19 तारीख तक जो भी यार अनअकैडमी का कोर्स लेता है एट पांडा यश मेरा जो कोड है वो यूज करके, तो उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे टेलीग्राम पे, और किसी एक बच्चे की पूरी फीस की जिम्मेदारी हम लेंगे, कोर्स खरीदने के बाद उसको पूरी फीस उसकी रिफंड कर दी जाएगी। काफी सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं यार, सचिन राणा सर, कपिल राणा सर, नमो पॉल सर, ये सब लोग पढ़ा रहे हैं, 50 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, 19 फेब से ही ये शुरू होने वाला है, तो अगर अगले 50 दिन में सोच रहे हो प्रेप वगैरह करने की किसी भी सेंस में, तो तुम जरूर यार कंसिडर कर सकते हो लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव टेस्ट,
हर हफ्ते नए बैचेस आ रहे होते हैं, तो ये काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, टीचर्स खुद चूज कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया है यार। और अभी 20% ऑफ चल रहा है रेफरल कोड लगा के, तो तुम यार ज़रूर अवेल कर सकते हो और आगे यार एंजॉय करो वीडियो को। यहाँ पर यार मैं सनी देर से पूछना चाहूँगा यार कि तू ले तो आया 39 से 97 है कि हमने बड़ी ऐसी लाइन तो बना ली, बट तेरे हिसाब से क्या चेंज हुआ कि तेरी मतलब 39 से 97 इम्प्रूव हो सकी, मतलब ऐसे तूने क्या स्टेप्स लिए कि वो ऐसे परसेंटाइल में इतना तगड़ा जंप आया? सबसे पहला स्टेप जैसे भैया ने बोला कि सारी डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, मतलब अगर तुम फोन अगर 2 घंटे भी यूज कर रहे हो तो उसे आधे घंटे में ले आओ। मेन है डिस्ट्रैक्शन की, आपके चीजें देखनी है, अनकॉन्शियस माइंड में भी आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि क्या मैंने ये चीज ये पार्ट कर लिया, ये टॉपिक मेरा क्लियर है या नहीं है। और साथ में काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। और सबसे बड़ा स्टेप तो ये है कि कंसिस्टेंसी, कि अगर आप आज 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज करा फिर कल छोड़ दिया, तो ये कंसिस्टेंसी और ऐसे मार्क्स अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। समझ गया यार, ये इसने काफी सही पॉइंट बोला है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अगर तुमने 2 साल पिछले नहीं दिए अच्छे से तैयारी को और तुम अभी भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कैन आई स्टिल क्रैक जेई 2022, तो अब तो तुम्हें यू विल हैव टू पुट इन दोस आवर्स और यू विल हैव टू पुट देम इन कंसिस्टेंटली, कि तुम रोज 8-8, 10-10 घंटे दे रहे हो। मेरे को याद है यार जब ताज प्रिपरेशन वाले समय में था, मेरे को याद है कि हम 11th-12th में तो थोड़ा देख रहे थे CBSE वाला, बट लास्ट के 3-4 महीने में ताज बिल्कुल लेजर फोकस्ड हो गया था कि यार अब तो निकालना है, और इसलिए मतलब वो यहाँ पर बैठा है DTU में सॉफ्टवेयर पढ़ रहा है और उसको पता है कि यार यहाँ का एवरेज पैकेज ही 16-17 लाख है, तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत उसको आगे फेस नहीं करने वाली है। तो मेरे को तो लगता है कि एक बहुत तगड़ा हमें सिक्योरिटी वाला बेड मिल जाता है अगर इस तरीके की हम एक बढ़िया से कॉलेज में आ जाते हैं, एक बढ़िया सी स्ट्रीम में, तो इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती। हिमांशु यार मेरे को इसमें एक चीज़ ये बता दूँ कि प्रिपरेशन वाला एस्पेक्ट तो हो गया, बट ना जब ऐसे पेपर पास आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन होती है और डर लगने लगता है चीज़ों के बारे में कि यार हो भी पाएगा या नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं है, मेरा दोस्त तो ये 11वीं का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो इस तरीके की चीज़ों से मतलब क्या करें, बात बात करना छोड़ दें सबसे, अपने दिमाग के अंदर क्या रखना चाहिए? मेरे ख्याल से एक तो यार पॉइंट जो कि हम सब मतलब इसको अग्री करेंगे, हमें डर जब तक भी नहीं लगता है, ठीक है, जब तक हम एक्चुअल में ना पढ़ने नहीं बैठते। जब हम पढ़ने बैठते हैं तब पता चलता है कि यार इतना सिलेबस रह रहा है, इतना सारी चीज़ें रह रही है, तो इसका मतलब अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वो एक अच्छा साइन भी है कि तुम हाँ पढ़ने तो बैठ गए हो, सीरियस हो गए हो। लेकिन यार दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दो, हो सकता है यार किसी की तैयारी अभी इस पॉइंट पर इतनी हो गई हो कि वो अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अच्छे से लगा पा रहा है, पर अभी ज़रूरी है कि यार तुम अपनी थ्योरी पर काम करो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करो जो कि तुम्हें एक्चुअल में हेल्प करेंगे। तुम्हारे पास टाइम है अभी, ऑफ कोर्स तुम एक चैप्टर पढ़ो, उसके PYQs करो, ठीक है, तुम जैसे कि भैया ने बताया PYQs के सॉल्यूशन देख सकते हो, एक दो के सॉल्यूशन देखो, मैक्सिमम तुम्हें पता चलेगा कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से। जर इस तरह से अगर तुम PYQs करोगे ना, तुम्हारे क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे, और फिर एक बार PYQs हो जाएंगे ना तो फिर तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी तैयारी पे। ठीक है यार काफी बढ़िया। मेरे को एक चीज ये बता यार सनी, हवा तेरी बनी हुई है कि भाई 39 से 97 आई है, ऐसी कौन सी भाई गुट्टी वुट्टी पिलाई गई थी तूने, कोई कोचिंग या कोई किताब पर्टिकुलरली फॉलो करी हो जिससे हेल्प हुई हो तेरी? हाँ मैंने अनअकैडमी से तैयारी करी थी, उससे काफ़ी हेल्प हुई थी, और 2 बुक्स जो मैं प्रेफर करूँगा, एक अरियंत और सबसे पहले NCERT, क्योंकि NCERT काफ़ी अंडररेटेड, बच्चे मानते हैं कि नहीं करनी चाहिए, बट सबसे पहले वो करो, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और काफ़ी हेल्प होती है। कोचिंग में मेरे और ताज की कोचिंग में बोलते थे NCERT बाइबल है तुम्हारी, जैसे तुम रामायण गीता कुरान हर कोई कुछ कुछ प्रेफर करता है, तो कहते हैं NCERT इज योर बाइबल। चारों लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे एक एक फाइनल टिप के साथ तुम सब लोगों के लिए, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैन आई स्टिल क्रैक जेई 2022, तो स्टार्टिंग विद मी मेरा आंसर होगा यस यू कैन डू इट, बट क्रैकिंग का मतलब ये मत मानना कि यार तुम्हारी अभी 10% आई है तो एकदम से तुम 99 पे या 99 पे छलांग मार लोगे, वो चीज़ नहीं होने वाली, बट ये चीज़ हो सकती है कि अगर तुम्हारी एक डिसेंट इनफ तैयारी है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट इनफ कॉलेज, या फर्स्ट वाले अटैम्प्ट को अपना प्लेइंग ग्राउंड मानो और सेकंड अटैम्प्ट को के लिए अपने आपको पॉलिश कर सकते हो, क्योंकि वो वाला अटैम्प्ट तुम्हारा बोर्ड्स के बाद हो रहा होगा। यही सेम क्वेश्चन था आज से, कैन यू स्टिल क्रैक जेई 2022, और एक तेरी क्विक टिप। यस मतलब चांसेस तो हमेशा ही रहते हैं, ऐसा इट्स नेवर टू लेट, यू कैन ऑलवेज hope for the best and do better than what you have done. And my tip will be like aim for chemistry. Chemistry is completely from NCERT. Not even maximum 2 questions are from outside the book. And rest you can practice from past year papers. That's I think all I can say. यार इस बारे में देखो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे भी एक वीडियो बना के मैंने तुम्हें एक्चुअली बताया था कि यस यू कैन क्रैक द पेपर, बट अगर तुम यार
अभी से लगोगे तभी, अगर इससे ज्यादा और लेट किया देन इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, तो जस्ट स्टार्ट राइट नाउ। एंड जो मेरी टिप रहेगी वो लास्ट में यही कि यार अपने में बिलीव करो, ठीक है, जितनी भी तैयारी हुई है, आई एम नॉट सेइंग कि तुम आज से पढ़ना शुरू करोगे तो तुम सीधा टॉपर बन जाओगे, पर एटलीस्ट ये सोचो कि जो वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है अगर तुम नहीं पढ़ोगे, अभी भी प्रोकास्टिनेट करते रहोगे, उससे तुम बच जाओगे और एक डिसेंट जगह पर पहुंच जाओगे। हमारा पोस्टर बॉय सनी, तुम्हारी क्या टिप रहेगी यार, और अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दियो भाई। भैया मेरी टिप ये रहेगी कि मेन जिस पे फोकस करना है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब आज 3 घंटे पढ़े हो तो कल भी 3 घंटे, आज 8 घंटे पढ़े हो तो कल भी 8 घंटे, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और साथ में एनसीईआरटी, जो भैया ने बताया कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी, उसने मेरे स्कोर में सबसे ज़्यादा हेल्प केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं करी थी। तूने मतलब तू परफेक्ट एग्जांपल है कि तेरी शायद इतनी तैयारी नहीं थी, बट फाइनली यू वर एबल टू अचीव अ गुड परसेंटाइल। तेरे को लगता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसकी अभी तक तैयारी नहीं है उतनी ज्यादा जिस स्टेज में तू था, तो क्या वो भी अगले साल यहाँ बैठा होकर ये वाली अपनी जर्नी शेयर कर रहा होता है कि मेरी भी ऐसे एकदम परसेंटाइल इंक्रीज हुआ और मैं आई वॉज एबल टू क्रैक जेई 2022? ऑफ कोर्स यस, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और मेन ये है कि आप उस इतने टाइम में उतनी एनर्जी लगाओ, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो कि अंदर से आंसर आना चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ, और अगर आप कर सकते हो तो अगले साल आप भी यहीं हो सकते हो। सही बात है यार, इसी नोट पे आज वाली वीडियो खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिल रहे होंगे एक और नई वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय।